आज मैं आपको बडविक प्रोटोकॉल सिखाऊंगा। ये एक कैंसर का और कुछ बीमारियों का नेचुरल ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर जोहाना बडविक ने डेवलप किया था। ये बेसिकली एक रॉ ऑर्गेनिक डाइट है। इसमें अलसी के तेल का, पनीर का, फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस, सन थेरेपी, फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी के तेल का मसाज, बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन आदि को इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम जो डाइट वाला पोर्शन है उस पर चर्चा करेंगे। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको सावरक्राउट का जूस लेना है। आप 100 ml जूस लेंगे, वो थोड़ा सा खट्टापन उसमें होता है, तो उसमें आप पानी मिला सकते हैं। सावरक्राउट आपके लिए नया नाम है, तो बेसिकली सावरक्राउट जो है, जो हमारी केबेज होती है, पत्ता गोभी होती है, उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसमें भरपूर प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसमें बहुत अच्छे एंटी कैंसर एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। ये एक हाईली अल्कलाइन फूड है। ईसा से 200-250 साल पहले एक रोमन स्टेट्समैन हुए थे जिनका नाम है मार्कस पोसियस कैटो द एल्डर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उस वक्त कि कैंसर का कोई भी उपचार बिना सावरक्राउट के काम नहीं करेगा। उन्होंने पत्ता गोभी और सावरक्राउट के ऊपर काफी रिसर्च की थी, एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है ऑन फार्मिंग। इसके जूस को आप मतलब एक से ज्यादा बार भी ले सकते हैं, दिन में या शाम को भी, अगर आपकी इच्छा है कभी भी तो आप इसको ले सकते हैं। और जो सावरक्राउट होता है उसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसको आप अपने सलाद में, अपने सूप वगैरह में, अपनी सब्जियों में आदि में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। सावरक्राउट चूंकि हिंदुस्तान में पॉपुलर नहीं है, मिलता भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सावरक्राउट हम बनाते हैं, बहुत अच्छा सावरक्राउट बनाते हैं और आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको खुद बनाएं तो हम आपको बनाना भी सिखा देंगे। उसके लिए हमारे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं YouTube पे। अब हम आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट का टाइम आपका 8-8:30 बजे या उससे पहले भी आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में सबसे पहले आपको एक ग्रीन टी या हर्बल टी लेनी है। इस ग्रीन टी या हर्बल टी में आपको चीनी नहीं मिलानी है, दूध भी नहीं मिलाना है, और इसमें आप लेमन जूस मिला सकते हैं। अगर मीठा करना है तो बिल्कुल नेचुरल हनी जो हम प्रोवाइड करते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और तो ग्रीन टी के बाद आपको अलसी के तेल और पनीर से बना हुआ एक व्यंजन नाश्ते में लेना है, जिसको हम हिंदी में ओमखंड कहते हैं। अलसी के तेल में भरपूर ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ही आपके कैंसर को या आपकी बीमारी को ठीक करते हैं, आपको ऊर्जावान बनाते हैं। अलसी के तेल में सूर्य और ब्रह्मांड के सारे चांद सितारों से ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की क्षमता होती है, इसीलिए हमने इसका नाम ओमखंड रखा है। तो अलसी का तेल आपको हेल्थ फर्स्ट कंपनी का खरीदना है। इंडिया में एक ही कंपनी है जो बढ़िया अलसी का तेल बनाती है, इसके अलावा कोई कंपनी अलसी का तेल नहीं बना पाई है। ओमखंड बनाने के लिए हम एक
ग्लास में 45 ml अलसी का तेल लेंगे। 45 ml का मतलब 3 टेबल स्पून होता है, टीस्पून नहीं, टेबल स्पून, या जो बोतल के साथ एक मेज़र निकलता है ऐसा मेज़र, ये 15 ml का होता है। आप 3 मेजर भर के अलसी का तेल लेंगे। उसके बाद उसमें 2 टेबल स्पून या 2 मेजर दूध मिलाएंगे, 1 टीस्पून उसमें हनी मिलाएंगे नेचुरल, और फिर हैंड ब्लेंडर से उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। इसके बाद उसमें 100 ग्राम क्रीम जैसा पनीर धीरे धीरे उसे मिक्स करेंगे और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि वो बिल्कुल एक क्रीम जैसा बन जाए। ऑयल उसमें गायब हो जाना चाहिए। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तभी ऑयल और प्रोटीन के बीच में एक हाइड्रोजन ब्रिज बनेगा। ये हाइड्रोजन ब्रिज बनना ज़रूरी है क्योंकि इसी हाइड्रोजन ब्रिज पर ये हीलिंग इलेक्ट्रॉन्स चलकर हमारे सिस्टम में पहुंचते हैं और हमें ऊर्जावान बनाते हैं, हमारे कैंसर को और हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो आपका अलसी के तेल और पनीर का क्रीम बन गया। अब आप इसमें नया स्वाद लाने के लिए, विविधता लाने के लिए आप चाहें तो इसमें कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल या पपीता या स्ट्रॉबेरी वगैरह को भी इसमें ब्लेंड कर सकते हैं। ओमखंड में फ्लेवरिंग्स के लिए आप काकाओ पाउडर, श्रेडेड कोकोनट, दालचीनी, इलायची, नेचुरल वनीला यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवरिंग्स में आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग यूज़ नहीं करना है। जैसे आप वनीला के नाम पर जो बाज़ार में एसेंस मिलते हैं वो नहीं खरीदें, आप नेचुरल वनीला खरीदें, अमेज़ॉन पे मिल जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब आप 2 टेबल स्पून ताज़ा कच्ची अलसी को पीसेंगे आपके मिक्सर में और उसको ये सर्विंग बाउल में नीचे फैला देंगे। इसके ऊपर आप ताज़ा कटे हुए फ्रूट्स की लेयर बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फ्रूट जूस भी स्क्वीज कर सकते हैं जिससे आपकी अलसी जो है वो फूल करके स्वादिष्ट भी बन जाएगी। और इसके ऊपर आपका जो ऑयल प्रोटीन क्रीम है, आपके अलसी के तेल और पनीर का क्रीम है, वो डालेंगे और उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स से आप उसको सजा के और बड़े प्यार से मरीज को पेश करके। देखिए ये एक आध्यात्मिक उपचार है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ओमखंड को बड़े बड़े प्यार से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं और इसको मरीज भी एक ईश्वर का प्रसाद समझ के एक दुनिया का सबसे सबसे स्वादिष्ट और सबसे बेहतरीन व्यंजन समझ के उसको सेवन करे, तभी उसको लाभ होगा। मतलब बडविक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर आप मेरा बडविक प्रोटोकॉल जो उपचार है कैंसर का वो बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हो, लेकिन अगर आपके परिवार में आप लोगों का माहौल ठीक नहीं है, आप आपस में एक दूसरे को ताने कस रहे हो, आपके बीच में मनमुटाव है, तो मेरा उपचार काम नहीं करेगा। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक जगह लिखा है कि एक बच्चा था 12 साल का, उसको कैंसर था, वो बडवी के पास दिखाने के लिए जाता है तो वो बडवी को कहता है कि जब मेरे पापा बनाते हैं ओमखंड तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बाहर बैठी है ना मेरी सौतेली माँ, जब वो ओमखंड बनाती है तो मुझे ओमखंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो जो बेरीज होती हैं उनमें पावरफुल एंटी कैंसर एलर्जिक एसिड्स होते हैं, इसलिए अगर आपको
ये बेरीज अवेलेबल हैं तो आप इनका प्रयोग ज़रूर कीजिए, जैसे स्ट्रॉबेरी है, बिलबेरी है, ब्लूबेरी वगैरह है। ये औखंड आपको दो बार लेना है, एक बार आपने ब्रेकफास्ट में लिया है, दूसरी बार आप लंच में एज ए लंच डेजर्ट ले सकते हैं। कभी अगर आप लंच में नहीं ले पाए तो डिनर में भी ले सकते हैं, लेकिन दो बार आपको ओमखंड लेना जरूरी है। ओमखंड बनाने का आप हमारा विस्तृत वीडियो YouTube पे देख सकते हैं, पनीर बनाने का वीडियो भी हमने YouTube पे दिया हुआ है। अब चूंकि ये जो उपचार है ये पूरी तरह अलसी के तेल पर आधारित है, आपको रोज दो बार ओमखंड लेना है। अगर हमेशा एक जैसा बनाएंगे तो हमारा मरीज जो है उकता जाएगा, उसको बोरियत महसूस होने लग जाएगी। तो इसमें हमें फ्लेवरिंग्स को, फ्रूट्स को बदल बदल कर यूज करना है, ताकि हर बार ऐसा लगे कि एक आप नया व्यंजन मरीज को खिला रहे हैं। तो ये नाश्ते के बाद करीब 10 बजे आपको एक वेजिटेबल जूस लेना है। इसमें कैरेट बहुत इम्पोर्टेंट है, गाजर, मतलब सप्ताह में कम से कम 5 बार तो आप गाजर का जूस लीजिए, और दूसरी सब्जियां जो आप यूज कर सकते हैं वो हैं चुकंदर, पालक, लौकी, खीरा, और कुछ सब्जियां हैं जिनके बारे में बडविक ने बोला है वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे सैलरी है, अपने इंडिया में थोड़ी पॉपुलर कम है, स्टिंगिंग नेटल, बिच्छू बूटी का जूस के लिए भी उन्होंने लिखा है, डेंडेलियन पत्तियों के जूस के बारे में भी लिखा है। तो अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो इनके जूस भी आप ले सकते हैं। आप दो तीन सब्जियों को मिला के जूस बना सकते हैं, आप उसमें जूस में चाट मसाला या लेमन जूस का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, जूस निकालने के लिए आपको जो आम जूसर इंडिया में प्रचलित हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स हैं, वो जूसर्स यूज नहीं करने हैं। वो जूसर्स बड़ी तेज स्पीड से चलते हैं, वो जूस को गर्म करते हैं, जूस की क्वालिटी को खराब करते हैं, और जूस में जो डेलिकेट एंजाइम्स होते हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं। जूस निकालने के लिए हमको मैस्टिकेटिंग टाइप के जूसर्स यूज करने हैं। मैस्टिकेटिंग टाइप के जूस मतलब जो स्लो जूसर्स होते हैं और वो सब्जियों को निचोड़ के जूस निकालते हैं। तो स्लो जूसर्स या जो मैस्टिकेटिंग जूसर्स हैं वो 4,000 से शुरू हो जाते हैं, आप मार्केट से खरीद सकते हैं, अमेजोन वगैरह से ले सकते हैं, और अगर आपको बढ़िया जूसर लेना है तो एक कोरियन कंपनी है क्यूविंग्स, उनके जूसर्स बहुत अच्छे होते हैं। उनका एक जूसर है V1700 मॉडल, वो बहुत अच्छा जूसर है, करीब 17-18 हज़ार की उसकी कॉस्ट होती है, लेकिन बहुत हैवी ड्यूटी और लंबे समय तक चलने वाला जूसर है, तो वो आप खरीद सकते हैं। और भी कई जूसर्स हैं जो आपको अमेजोन पे मैस्टिकेटिंग जूसर्स मिल जाएंगे। कई सब्जियों का, खासतौर से हरी सब्जियों का जो जूस होता है वो स्वाद में इतना अच्छा नहीं लगता लोगों को, तो उसको स्वादिष्ट और मनभावन बनाने के लिए उसमें आप एप्पल मिलाकर जूस निकाल सकते हैं। ऐसी बडविक ने भी हिदायत हमें दी है। इसके बाद 12-12:30 बजे के बीच में आपको लंच ले लेना है। लंच बहुत भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको दो बार ओमखंड लेना है, 3-4 बार जूस लेना है, तो आप लंच को हैवी नहीं ले सकते। लंच के 10-15 मिनट पहले
आपको एक ग्रीन टी या हर्बल टी लेनी है। एक्चुअली ये खाने के पहले जो ग्रीन टी लेने की जो बात बटवीक ने कही है वो इसलिए कही है कि बटवीक ये चाहती है कि जब आप खाना खाएंगे तो उसके पहले आपके पेट के अंदर एक वार्म लिक्विड है और आपका खाना उसमें तुरंत जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। लंच में सबसे पहले आपको एक प्लेट सलाद देना है, तो सलाद में आप सारी सब्जियां यूज कर सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। जो सब्जियां आपको ऐसा लगता है कि ये हार्ड हैं, चबाने में दिक्कत आएगी, तो आप उनको हल्का सा स्टीम कर सकते हैं या बॉइल कर सकते हैं। सलाद में आपको अलसी का तेल जरूर मिलाना है। आपको पता है कि इस उपचार में अलसी के तेल का बहुत प्रयोग होता है, तो आप जो है सलाद के लिए तीन तरह की ड्रेसिंग्स बना सकते हैं। पहली ड्रेसिंग है फ्लैक्सीड ऑयल और लेमन जूस ड्रेसिंग। इसमें आप जो है सलाद में अलसी का तेल, एक टेबलस्पून अलसी का तेल और थोड़ा सा उसमें नींबू मिला लेंगे, तो ये हो गई आपकी फ्लैक्सीड ऑयल और लेमन जूस ड्रेसिंग। दूसरी है योगर्ट ड्रेसिंग। इसमें आप दही में दही लेंगे और दही में जो है एक टेबल स्पून अलसी का तेल मिला लेंगे और उसमें आप अपनी सब्जियां उसमें मिक्स कर देंगे। मतलब एक तरीके से इसको आप रायता ड्रेसिंग कह सकते हैं, रायता बन गया आपका। तीसरी है मेयो ड्रेसिंग। मेयो ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें चार चीजें चाहिए। तो आपने दो टेबल स्पून फ्लैक्सीड ऑयल ले लिया, दो टेबल स्पून आपने कॉटेज चीज पनीर ले लिया, दो टेबल स्पून आपने दूध ले लिया और थोड़ा सा नींबू का रस स्वादानुसार आप लेके इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये इसमें आप मसाले और जो भी आपको हर्ब्स वगैरह डालनी वो डालेंगे और ये बढ़िया आपकी जो है मेयो ड्रेसिंग बन गई। सलाद के बाद अब आपको मेन कोर्स यानी आपको जो है कुक्ड मील है वो लेना है। तो कुक्ड मील में आप सारे अन्न ले सकते हैं, मक्का को छोड़ के सारी सब्जियां, सारी दालें, कोई पाबंदी नहीं है। चावल अगर आपको लेना है तो आपको ब्राउन राइस लेना चाहिए, और कभी कभार अगर आप ब्राउन राइस से उबता जाए तो व्हाइट राइस भी कभी कभार ले लें। और अगर आपको चपाती बनानी है, रोटी बनानी है, तो उसके लिए आप मल्टीग्रेन रोटी बनाइए। मल्टीग्रेन में आपको कौन कौन से ग्रेन यूज कर सकते हैं, तो गेहूं थोड़ा मिलाएंगे, बाजरा, रागी, चना, मूंग और कुट्टू। कुट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने मल्टीग्रेन अपना आटा बना लिया, इसकी आप रोटी खाइए, एक या दो रोटी, ज्यादा हैवी आपको मतलब लंच लेना नहीं है, ठीक है ना। अब जो आपकी सब्जियां दालें वगैरह बनाएंगे तो इसमें आपको कोई फ्राइंग और डीप फ्राइंग नहीं करनी है, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि बटवीक नहीं चाहती कि आप फैट्स को, अच्छे फैट्स को गर्म करके उनको खराब करें, क्योंकि जब फैट्स को हम गर्म करते हैं तो उनमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। तो डॉक्टर बटवीक बिल्कुल नहीं चाहती कि आप ट्रांस फैट का सेवन करें, क्योंकि ये कैंसर कारी होते हैं। तो फिर आप कैसे खाना बनाएंगे, आप कैसे सब्जियां बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए मैं आपको दो तीन ऑप्शन देता हूं कि आप जो है सब्जियों को पानी से बनाएं, उबाल के बनाएं। आपको प्याज लहसुन फ्राई करना है, आप पानी में प्याज लहसुन फ्राई कीजिए, मसाले डालिए, टमाटर डालिए, प्याज लहसुन डालिए, जब आपकी सब्जी बन जाए तो उसके बाद में उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन बटर या ओलियोलक्स जिसकी रेसिपी हम आपको बता रहे हैं अभी, तो वो आप मिला लें। ओलियोलक्स दुनिया का एक बेहतरीन फैट है जिसे डॉक्टर जोहाना बटवीक ने डेवलप किया। इसमें अलसी के तेल का और नारियल के तेल का प्रयोग होता है
इसमें भरपूर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम 250 ml एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं और उसमें हम एक प्याज को फ्राई करते हैं, प्याज के दो टुकड़े कर देंगे और उसको हम 5-7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद उसमें 10 लहसुन की कलियां डाल देंगे और उसको फ्राई करेंगे। जब प्याज लहसुन दोनों अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं तो हम उन प्याज लहसुन को निकाल लेते हैं और जब ये तेल ठंडा हो जाए तो इसमें 125 ml फ्लैक्स सीड ऑयल मिला के इसको फ्रीज में रखते हैं। इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रॉन बटर भी कह सकते हैं। डॉक्टर बडविक ने कहा है कि इसको हम 2 मिनट तक गर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने प्याज लहसुन को फ्राई किया है नारियल के तेल में, उनमें भी सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं और वो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स फ्लैक्सीड ऑयल को नेचुरली जो है थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको हम 2 मिनट तक गर्म कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लो आपको लौकी की सब्जी बनानी है और प्याज लहसुन के साथ बनानी है, तो आप कढ़ाई गर्म करेंगे। कढ़ाई में गर्म होने के बाद में उसमें 2 टेबल स्पून इलेक्ट्रॉन बटर मिलाएंगे, तुरंत उसमें आप प्याज लहसुन मिलाएंगे कटे हुए, उनको 2 मिनट तक थोड़ा फ्राई करेंगे और फिर पानी डाल देंगे, मसाले डाल देंगे, सब्जी डाल देंगे और वो पानी में वो सब्जी पकती रहेगी, वो पानी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें पानी है तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा और उसमें ट्रांसफेट नहीं बनेंगे। इस ओलियोरक्स को या इलेक्ट्रॉन बटर को आप रोटी चुपड़ने के लिए, आपके चावल या खिचड़ी या पुलाव में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप स्टफ्ड परांठे भी बना सकते हैं, आलू के या गोभी के या मूली के परांठे, और जब परांठा पक जाए तो फिर आप उसमें ये इलेक्ट्रॉन बटर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बटर है इसका आप कई तरीके से अपने भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। बडवीक प्रोटोकॉल में हम एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग कर सकते हैं, हम न्यूट्रिशनल ईस्ट फ्लैक्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो विटामिन बी का बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है। आप सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं, वैसे सोया के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए लेकिन आप सोया सॉस यूज कर सकते हैं। देखिए, ओमखंड में विविधता लाने के लिए जो लंच वाला ओमखंड है उसको आपको एज ए डेजर्ट ही बनाना है। आप चाहें तो उसमें अलसी नहीं मिलाएं, आप चाहें तो उसको एज ए आइसक्रीम बना सकते हैं, जैसे आपने उसमें काकाओ पाउडर मिलाया है और आप उसको जो है फ्रीजर में रख देंगे कुछ देर तो वो बढ़िया आइसक्रीम बन जाएगी। तो इस तरीके से आप कई कई तरीके से इसे बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर बडविक की जो ऑयल प्रोटीन कुक बुक है उसमें बडविक ने ओमखंड के बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे डेजर्ट आइसक्रीम्स वगैरह की रेसिपीज दी हुई हैं, आप उनको पढ़ें और हिसाब से रेसिपीज बनाएं। करीब 3 बजे आपको एक एंजाइम जूस देना है। तो हमारे 2 फ्रूट्स होते हैं, पपीता और पाइनएप्पल, इनमें भरपूर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो आप जो है 3 बजे पपीता या पाइनएप्पल इन दोनों में से किसी एक का जूस लेंगे। पपीता तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, और पपीता का जूस तो आप सप्ताह में 5 बार दीजिए, और पपीता का जूस थोड़ा गाढ़ा होता है इसलिए आप उसमें संतरा या मौसमी मिलाकर जूस निकाल सकते हैं, तो आपका अच्छा जूस बन जाएगा। इसके 1 घंटे बाद करीब 4 बजे
आप एक फ्रूट जूस और लेंगे, इस बार आप अंगूर, अनार, मौसमी, संतरा या जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनका आप जूस एक ग्लास मरीज को दे देंगे। जूस में आप जैसा मैंने बताया आपको चाट मसाला या कुछ नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं। डिनर भी आपको 6 साढ़े 6 बजे तक ले लेना चाहिए। डिनर में भी लंच की तरह आप जो है हल्का फुल्का कुछ ले सकते हैं, दलिया या खिचड़ी ले सकते हैं, या आप चावल ले सकते हैं, या बाजरा ले सकते हैं, या एक आध चपाती भी ले सकते हैं। इनके साथ कोई रसीली सब्जी, दाल या शोरबा ले सकते हैं। कुट्टू को बर्डविग ने सबसे अच्छा अन्न माना और उनका मानना है, उनका कहना है कि मतलब शाम को सप्ताह में 4-5 बार तो कुट्टू लेना ही चाहिए। कुट्टू हमारा दो तरह का आता है, एक तो साबुत कुट्टू आता है और उसका आटा आता है, और कुट्टू के ग्रॉट्स आते हैं, मतलब वो दलिया टाइप का होता है। तो कुट्टू के ग्रॉट्स को हम जो है चावल की तरह या खिचड़ी की तरह, पुलाव की तरह पका सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। कुट्टू ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। कुट्टू में ग्लूटेन भी नहीं होता है। दोस्तों, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये जो बर्डविक प्रोटोकॉल है ये सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, जैसे आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है, अस्थमा है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी डिसऑर्डर्स हैं। तो उन सब में आप जो है बर्डविक प्रोटोकॉल ले सकते हैं। हाँ, उसमें जो है कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, फ्लैक्सीड ऑयल की क्वांटिटी बदल सकती है, कुछ परहेज चेंज हो जाएंगे, उनमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन बर्डविक प्रोटोकॉल जो है आप उसमें ले सकते हैं। अब अगर आप बर्डविक प्रोटोकॉल ले रहे हैं या मतलब कैंसर के लिए ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप हमसे परामर्श लें, हमारे यहाँ के सारी चीज़ों को सीखें ताकि आप कोई गलतियाँ ना करें और आपको अच्छे परिणाम मिलें, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ आकर के और सब कुछ सीख करके और ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने में कोई असमर्थता है और आप ऑनलाइन सपोर्ट लेना चाहते हैं तो हम आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अरेंज करवा देंगे, और आप जो है ट्रीटमेंट मटेरियल भी आपको हम कोरियर से भिजवा देंगे। और अगर आप यहाँ आते हैं तो सारी जो बर्डविक प्रोटोकॉल में जो ट्रीटमेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, आपका फ्लैक्सीड ऑयल है, ब्लैक सीड ऑयल है, डंडेलियन है, SCFT है, सावर क्रॉट है, या और जो और बहुत सारे आइटम्स हैं, तो वो आप हमसे खरीद सकते हैं या कोरियर द्वारा हमसे मंगवा सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।